नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पोटका में राशन की कालाबाजारी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और जहां पोटका एमओ सर बीडीओ कपिल कुमार द्वारा 3 राशन डीलरों पर कालाबाजारी के आरोप में मामला दर्ज कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर कई राशन डीलर ऐसे हैं जो बेकॉफ होकर सैकड़ों कार्डधारियों को 2 माह का अनाज आज तक नहीं दिए हैं। एक और जहां सरकार लॉकडाउन के मद्देनजर मजदूर वर्ग के लोगों को अनाज की कमी से भूखा न रहना पड़े, इस उद्देश्य को लेकर 2 माह का अनाज उपलब्ध कराया गया है, मगर हेंसदा पंचायत के सिकरसाई घुटसाई के सैकड़ों कार्डधारियों को अब तक नहीं मिला अनाज। वहीं जब राशन डीलर लक्ष्मीकांत दास से बात की गई तो उनका कहना है कि प्रतिदिन 40 लोगों को राशन दिया जा रहा है, जिसके कारण इतनी देर हो रही है, जबकि 20 दिन पहले डीलर द्वारा राशन का उठाव उन कार्डधारियों को एवज में कर चुके हैं, मगर वितरण नहीं होना कहीं न कहीं लापरवाही की ओर संकेत कर रहा है। मामला जो भी हो, इन कार्डधारियों को राशन मिलना चाहिए। सैकड़ों कार्डधारी अभी तक अनाज क्यों नहीं मिल पाया? हम गांव वाई डेट रखे हैं, 2-3 रोज करके एक गांव को देते हैं, भीड़ जमने को नहीं देते हैं, ये हम देते आ रहे हैं और सबको पूरा कर देंगे। कब उठाव किया था माल का? माल उठाव किया 3 तारीख। आज 17 दिन होने को है। कितना बड़ा गांव है ना सर, बहुत बड़ा गांव है, जैसे बागलोता 3 दिनों लगता है। थोड़ा थोड़ा 50-40 कार्डधारी को कर कर दे रहे हैं। देश भर में कोरोना को लेकर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कोरोना की वजह से लॉकडाउन को देखते हुए अपने अपने घर में दुबके हुए हैं। वहीं हमारे जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। भारी मात्रा में एक जगह एकत्रित होकर न सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, न ही लॉकडाउन की। क्या हो रहा है, ओपीडी क्यों बंद है? देखिए, तो चूंकि कोरोना के चलते हम लोग को बोला गया है कि इमरजेंसी सर्विसेज और सिर्फ कोरोना रहेगा, इसीलिए सारी ओपीडी सेवाएं बंद है। लेकिन जो मरीज एकदम जरूरी है कि वो बिना हॉस्पिटल आए उनका इलाज नहीं होगा, वैसे मरीज आ रहे हैं और इमरजेंसी में ये कर रहे हैं। डिस्टेंस का क्या होगा? डिस्टेंस तो हम लोग अभी सिक्योरिटी एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं यहाँ पे, जैसे पता चला कि यहाँ डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है तो सिक्योरिटी बढ़ाए हैं, और एक मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट रहेगा अंदर में, बाकी एक्स्ट्रा जो है उनको लोग बाहर करें। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम राजेश बहादुर। लॉकडाउन की वजह से लोग पूरी तरह दहशत में हैं, लेकिन बिष्टुपुर में मां मंगला पूजा बड़े ही शांत एवं साधारण तरीके से किया गया। श्रद्धालु कम संख्या में देखे गए एवं लॉन्ग डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए पूजा की गई। वहां के सदस्य रूपा गुप्ता का कहना है कि हर साल मां मंगला पूजा बड़े जोर शोर से हम लोग मनाते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए हम लोग भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। मंगला माँ का पूजा है, हम लोग साथ में माँ मंगला माँ आदि शक्ति जी का पूजा करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे जो लोग कमेटी के हैं वही लोग शामिल हैं, इसमें बाहरी कोई भी लोग शामिल नहीं है। हम लोग पूरा लॉकडाउन का पालन करते हुए माँ मंगला का पूजा अपने घर परिवार के समस्त मतलब अंदर ही कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ रूपा गुप्ता। आप बताइए, माँ का पूजा किस तरीके से किया जा रहा है? इस तरह से किया जा रहा है कि मतलब भीड़ भड़क्का नहीं कर रही, हम लोग अपने साधारण जितने हम लोग पूजा करते हैं मेंबर सब वही पूजा कर रहे हैं। भीड़ भड़क्का जैसी होता है हर साल पूजा, इस बार तो कुछ पूजा नहीं हो रहा हमारा, हमें साधारण से पूजा करे बस। क्या नाम हुआ आपका? हेंसल ग्रामीण बैंक के बाहर ग्राहकों की लगी भीड़ को नियंत्रित करने एवं सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन कराने के लिए बजरंग सेवा दल के सदस्य हर संभव प्रयासरत है। वही प्रतिदिन बैंकों के बाहर ग्राहकों की भीड़ को सोशल डिस्टेंस की जानकारी देते हुए बजरंग सेवा दल के सदस्य ने चना गुड़ शरबत की व्यवस्था की। वही सभी महिला पुरुष बड़े बुजुर्ग सभी को वितरण किया। वही बजरंग सेवा दल के सदस्य ने कहा कि सभी को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। आसपास में बहुत सारे लोग यहां पर बैंक पैसा उठाने के लिए आ रहे हैं, जो उनको बहुत ही ज़रूरत है, और बहुत ही वृद्धा औरतें एवं पुरुष आ रहे हैं, उनका सहयोग के लिए, क्योंकि यहाँ पर आसपास में लॉकडाउन होने के कारण होटल पूरा पूर्ण रूप से बंद है, जिसको भोजन करने के लिए नाश्ता करने के लिए बहुत ही असुविधा हो रही है। इसलिए हम लोग बजरंग सेवा दल ने ये बीड़ा उठाया है कि जितना भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको शरबत, सत्तू शरबत, आपका चना गुड़ तथा भोजन का भी व्यवस्था, खीर खिचड़ी का भी किया जा रहा है।
कोरोना वायरस से युद्ध करने में जहां स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस के जवान और मीडिया कर्मी लगे हैं, वहीं सामाजिक संस्थाएं की भी उतनी ही भागीदारी है। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक संस्थाएं लगातार लोगों को भोजन करा रही है। वैसे लोग जो प्रतिदिन शहर आकर दो पैसा कमाकर घर पहुंचते थे, उसके बाद चूल्हा जलता था, वैसे लोगों के बीच वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी नामक सामाजिक संस्थाएं गोविंदपुर के हरिजन बस्ती और झरना बस्ती में पिछले 27 दिनों से लोगों को भोजन करा रही है। उधर इन गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली सामाजिक संस्थाओं के युवा योद्धाओं को हम सलाम करते हैं। छोटा गोविंदपुर स्थित जो कुछ ग्रामीण इलाका है जिसमें हरिजन बस्ती आते हैं, और इसके अलावा झरना बस्ती और भी कई ग्रामीण इलाका है जहां पर जो लोग रोज कमाने खाने वाले थे उन तक खाने को बहुत ही एक कठिन समस्या थी, जिसको लेकर वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के सूरज जायसवाल और पंकज सिन्हा जी के द्वारा आपस में सामग्री एकत्रित करके इस अभियान की शुरुआत किया, जिसको देखते देखते कुछ और भी युवा उनके साथ जुड़े और पूरी टीम मिलकर आज 26वां दिन आज हम छोटा गोविंदपुर के हरिजन बस्ती के ग्रामीण इलाकों में कम से कम 500 से ज्यादा ग्रामीणों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। और इसका मात्र उद्देश्य एक ही है कि इस कठिन परिस्थिति में जिस तरह से आज समाज के सभी लोगों के लिए एक चुनौती भरा हुआ है, इस चुनौतीपूर्ण समय में हम अपने साथ साथ उन सभी का पेट भरने का काम करें जो आज दाने दाने को मोहताज है। आज हमारी संस्था सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेषकर ख्याल कर रही है और कोरोना जैसे महामारी के बारे में भी लोगों को जागरूक भी कर रही है, ताकि हमारा समाज भी सुरक्षित रहे और हम सबको साथ लेकर चल सके। थैंक यू। भले वैश्विक महामारी के दौरान उपजे हालातों के बीच देश में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई, भले पूरे देश में लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधे, कल कारखाने वगैरह पिछले 28 दिनों से बंद पड़े हैं, लेकिन टाटा स्टील इस लॉकडाउन में भी अपना उत्पादन जारी रखे हुए हैं। वैसे इस कंपनी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि स्टील उद्योग के लिए प्लांट बंद कर देना मतलब भारी भरकम नुकसान। लेकिन कल से सरकारी दफ्तरों के खुलते ही जमशेदपुर जिला प्रशासन ने टाटा स्टील के वैसे कर्मियों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी जो बाइक से ड्यूटी पहुंच रहे हैं। जहां जिला प्रशासन के निर्देश पर आज ड्यूटी से निकल कर्मियों को सांची पुलिस ने चेतावनी देकर कल से कार या कंपनी द्वारा किए गए व्यवस्था से ड्यूटी आने की चेतावनी दी गई। लॉ एंड ऑर्डर, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, जिला प्रशासन ने बोला कि आप लोग जो भी फैक्ट्री की गाड़ी है उनको रोक के उसका नाम, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, कहाँ जाना है उसको, इसको एलो को आना नहीं है कल से बाइक से, ये हमको निर्देश नहीं है, हमको इतने बोला गया, उनका नाम, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर और कहाँ जाना है। कितने लोगों को नोट हुआ है? 86 आदमी, 86 में कोई दूसरे भी हैं, कोई कोई फैक्ट्री के अलावा, लेकिन अभी तक 86 हुआ। क्या शुभ नाम हो आपका? राजनारायण पांडे।